Good morning, children. How are you all? I hope you are totally fit and fine. So today I am coming with a new interesting topic. My topic is our helpers. So let's go and learn about our helpers. Okay? Do you know what is the meaning of helpers? Helpers mean होता है सहायक. और our helpers मतलब मेरे सहायक. जो people हमारी help करते हैं, उनको हम हेल्पर्स करते हैं. ओके, दिस टॉपिक इज रिलेटेड जनरल नॉलेज. ओके, सो थ्रू आउट द डे मैनी पीपल हेल्पर्स विद द वर्क दे डू. लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट विदाउट दिस पीपल, है ना. अगर ये पीपल नहीं होंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी. आर यू अवेयर ऑफ द पीपल हु हेल्प अस? आप जानते हो कौन कौन से पीपल हमारी हेल्प करते हैं? ओके, आई टेल यू. हैव यू सीन द पिक्चर्स? Let us learn about some helpers who make our life easy. Like a tailor. A tailor stitches and mends our clothes. Tailor क्या करता है? हमारे कपड़ों को बनाता है और सिलता है. Okay? A gardener takes care of plants in a garden. यह हमारे गार्डन के पेड़ों की देखभाल करता है. A maid washes our utensils and also clean our house. ये हमारे घरों में बर्तन धुलती है, हमारे घर को साफ रखती है. अ स्वीपर स्वीप्स द रोड. स्वीपर क्या करता है? हमारे रोड की सफाई रखता है ना. एंड अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेंजर. और पुलिसमैन क्या करता है? हमारे खतरों जो हमारे लिए खतरे जो लोग हम क्या करते हैं, जैसे कि पुलिस जो चोर और होते हैं उनसे हमें खतरा रहता है, उनसे हमारी सुरक्षा करता है. अ मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क टू अस. मिल्कमैन हमें क्या करता है? दूध देता है. ओके, अ फार्मर ग्रोज क्रॉप फॉर अस. और फार्मर क्या करता है? हमारे लिए फसल उगाता है. ये सब हेल्पर्स हमारी हेल्प करते हैं. एंड अ टीचर. टीचर हेल्पर्स टू लर्न अवर लेसन. टीचर क्या करती है? हमें पढ़ाती है. जो भी हमें लेसन पढ़ाती है, हमें बताती है हमें कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, है ना. आप जब स्कूल आते हो तो आप कौन ट्रीट करता है? टीचर पढ़ाती है. टीचर आपको बताती है यहाँ बैठो, यहाँ उठो, अब बाहर जाना है तो क्या बोलना है, अंदर आना है तो क्या बोलना है. तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है? टीचर. टीचर हेल्प अस टू लर्न अवर लेसन. हाउ टू राइट, हाउ टू लर्न. ओके, ये टीचर बताती है. और नेक्स्ट डॉक्टर. और डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक. जब आप बीमार होते हो, आपको कोल्ड होता है, कफ होता है, आपको फीवर होता है, तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो. अगर डॉक्टर नहीं होगा तो आपको मेडिसिन कौन देगा, है ना. आप अगर आपको फीवर आती है, चोट लग जाता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो ना अपना मेडिसिन लेने के लिए. तो डॉक्टर भी हमारी बहुत हेल्प करता है. क्या हेल्प करता है? हमें मेडिसिन देता है, है ना. और हमारी क्या हेल्प करता है? हमें ट्रीटमेंट देता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर कैचेस थीव्स एंड कीपर्स सेफ. जैसे हमने बताया, अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर. हमें खतरों से कौन बताता है? पुलिस. और ये क्या करता है? चोरों को पकड़ता है. जो घर में कभी कदार देखो चोर लोग चोरियां करते हैं, तो इनको कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है. और पुलिस उन्हें क्या करती है? सजा भी देती है, जिससे कि वो आगे से ऐसा काम ना करे, क्योंकि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है ना. तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए. अगर चोरी आप करेंगे तो आपको कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगी. ओके, तो पुलिस हमारी क्या हेल्प करती है? पुलिस मैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर. ओके, नाउ नेक्स्ट हेल्पर्स है हमारा फायर फाइटर. फायर फाइटर का क्या वर्क होता है? अ फायर फाइटर पुट्स आउट फायर्स एंड रेस्क्यूज पीपल. ये फायर फाइटर जो होता है ना, कहीं आग लग जाती है उसको बुझाता है. और अगर आग में कोई आदमी या कोई भी फंस जाता है तो उनकी रक्षा करता है ना. देखते कभी कभी घरों में या शॉप पे आग लग जाती है तो हम किसको बुलाते हैं? फायर फाइटर को बुलाते हैं. और फायर फाइटर में कहाँ मिलता है? फायर स्टेशन में. और फायर स्टेशन में क्या होता है? फायर ब्रिगेड होती है, जिसको वो लेके आते हैं. और हमारे यहाँ अगर इधर आस पड़ोस में या कहीं भी आग लग जाती है तो उसको बुझाते हैं. और अगर उसमें कोई आदमी फंस जाता है तो उनको रक्षा करते हैं. ये भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. नाउ नेक्स्ट फार्मर. फार्मर ग्रोज क्रॉप्स. फार्मर क्या करता है? हमारे लिए
क्रॉप्स को ग्रो करता है। क्रॉप्स मतलब अनाज। अगर वो फार्मर हमारे लिए क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे? क्योंकि हम क्या खाते हैं, पल्सेस, दालें खाते हैं, राइस, चावल खाते हैं, भी गेहूँ में रोटी बनाते खाते हैं, है ना, और बहुत सारे सीरियल्स, है ना, स्पाइसेस, मसाले, ये सब कौन तैयार करता है? फार्मर। तो ये भी हमारी बहुत हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट, स्वीपर। अ स्वीपर स्वीप द रोड्स एंड कीप देम क्लीन। स्वीपर क्या करते हैं, हमारे रोडों को साफ करता है ना। अ स्वीपर स्वीप्स द रोड, स्कूल को भी साफ रखता है, हमारे गलियों को भी साफ रखता है। अगर ये नहीं सफाई करेगा तो क्या होगा, चारों तरफ गंदगी रहेगी, और जब गंदगी रहेगी तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए ये भी हमारी हेल्प करता है सफाई रख के। नाउ नेक्स्ट, कॉबलर। अ कॉबलर मैन शूज एंड सैंडल्स। कॉबलर क्या करता है, हमारे शूज़ को मेंड करता है। जब कभी हमारे शूज़ फट जाते हैं या पॉलिश करनी होती है तो हम किसके पास जाते हैं, कॉबलर के पास जाते हैं, और कॉबलर क्या करता है, हमारे शूज़ को मेंड कर देता है। अगर ये नहीं हो तो हम, जैसे हमारे शूज़ या सैंडल्स ख़राब होंगे तो उनको फेंक देंगे, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये होते हैं तो हमारे वो मेंड कर देते हैं, जिसको हम फिर यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी हमारी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, टेलर। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि टेलर क्या करते हैं, टेलर स्टिचेस एंड मेंड्स अवर क्लॉथ, है ना, ये हमारे कपड़ों को सिलते हैं, रिपेयर करते हैं, है ना। अगर हम सोचें कि अगर टेलर नहीं होगा तो फिर हमें कपड़े कहाँ कौन सी लेगा, रेडीमेड तो आते हैं बट वो भी कभी कभी मैरिटर कराने पड़ते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई लंबे होते हैं, तो उनको भी टेलर ही तो ठीक करेगा ना। तो टेलर भी हमारी बहुत हेल्प करता है ना, कपड़े सिलकर भी हमारी हेल्प करता है। और नाउ नेक्स्ट, बार्बर। बार्बर क्या करता है, कट्स अवर हेयर, ये हमारे बालों को कट करता है। जब बाल बहुत बड़े हो जाते हैं ना तो हम कहाँ जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, और ये हमारे बाल को ट्रिम कर देता है, जिससे कि हम सुंदर लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं। क्योंकि बड़े बाल बहुत अच्छे नहीं होते ना, वह आँखों में आते हैं तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए बार्बर के पास जाकर हम अपने क्या करते हैं, हेयर को कट करा देते हैं। तो क्या हेल्प करता है बार्बर, हमारे हेयर को कट करता है और हमें अच्छा बना देता है, गुड बॉय बना देता है। बार्बर भी हमारी हेल्प करता है, क्या करके, हेयर कट करके। ओके, नाउ नेक्स्ट, द पोस्टमैन। अच्छा, पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन ब्रिंग्स अवर लेटर, है ना, ये हमारे लिए लेटर लाता है ना, और मनी ऑर्डर भी लाता है ना। अगर आपके यहाँ कोई बाहर रहता है, कोई दूर रहता है, तो ये आपको लेटर ला के देता है ना, जिससे आपको उसकी खबर मिल जाती है ना। एंड गार्बेज कलेक्टर, जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं वो हमारे डोर से क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्ट करते हैं, है ना। और जो ये शेफ होते हैं वो क्या करते हैं, शेफ हमारे लिए फूड बनाते हैं, है ना। हम अगर रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहाँ पर कौन होता है, शेफ ही तो होते हैं, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी डिशेज बनाते हैं, जिनको हम मंगाते हैं, खाते हैं। तो ये भी हमारी हेल्प करते हैं, पोस्टमैन भी हेल्प करता है, शेफ भी हेल्प करता है, और गार्बेज कलेक्टर भी हमारी हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है न्यूज़पेपर बॉय। देखिए, न्यूज़पेपर बॉय भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये हमें क्या करता है, न्यूज़पेपर डिलीवर्स करता है ना, डिलीवर्स द न्यूज़पेपर एट आवर डोर स्टेप। ये हमारे घर तक हमारे लिए न्यूज़पेपर लाता है, जिससे हमें हर जगह की खबर घर बैठे ही मिल जाती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस तरह से हमारे हेल्पर्स हमारी हेल्प करते हैं, है ना। सो वी हैव रीच मैनी पीपुल वैन वी हेल्प अस। ओके, तो हमें इनके साथ क्या करना चाहिए, बहुत ही पोलाइटली मतलब बोलना चाहिए इनसे, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, इनको हमेशा इनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। तो आपने अपने ये आज लेसन पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि हमने बहुत सारे हेल्पर्स आपको बताएं, तो इनको आपको रिकग्नाइज करना है पेरेंट्स की हेल्प से, इनके सबके स्पेलिंग लर्न करनी है, और कौन कौन से हेल्पर्स हैं इनको आपको याद करना है। ओके, तो आप ये सारे हेल्पर्स के नेम लर्न करिएगा अच्छे से, हुँ? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हु टीच अस इन योर स्कूल, द टीचर टीच अस इन योर स्कूल, हु स्विस योर क्लॉथ, द टेलर स्विस अवर क्लॉथ, हु कट्स योर हेयर, द बार्बर कट्स योर हेयर, हु मेंड्स योर शूज, द कॉबलर मेंड्स अवर शूज, हु ट्रीट द पेशेंट, द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट। दिस इज ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who catches the thieves? The policeman catches the thieves. Okay? And next question, who brings letter to you? The postman brings our letter. So guys, आज आपने बहुत सारे हेल्पर्स पढ़े और वो हेल्पर्स आपकी क्या क्या हेल्प करते हैं ये भी आपने पढ़ा. तो आपने कौन कौन से हेल्पर्स पढ़े, वंस अगेन रिपीट इट. सो आपने टीचर, बार्बर, कॉबलर, गार्डनर, है ना, स्वीपर, मेड, पुलिसमैन, फायर फाइटर, फार्मर, पोस्टमैन, है ना. तो ये सारे आपने हेल्पर्स पढ़े और आपकी हेल्प कैसे कैसे करते हैं, तो ये हेल्पर्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है. तो गाइस, आज आप पेरेंट्स की हेल्प से, अब आपका होमवर्क है, तो आप पेरेंट्स की हेल्प से सारे हेल्पर्स को पहचानिएगा और उनकी स्पेलिंग्स लर्न करिएगा कि कौन कौन से हेल्पर्स आपकी हेल्प करते हैं. आई होप यू हैव ऑल फ्रेंड. नाउ वी मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.